गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मल्टीनेशनल कंपनीज में एक प्रोटोकॉल चलता है जिसको रॉ बोलते हैं, रिस्पेक्ट एक्ट भी, चाहे सीईओ हो चाहे नीचे के कोई भी हो, बट आप किसी की अब्ज्यूम नहीं कर सकते, उल्टा सीधा नहीं बोल सकते, नहीं तो पेनाल्टी लगती है। तो महाराज जी, यही रॉ ऑफिस में तो फॉलो होता है पर घर आके नहीं होता, तो इसे हम अपने घर में कैसे फॉलो कर सकते हैं? देखो, ऑफिस कानून से चलता है और घर परिवार भावना से। बहुत ध्यान से सुनो, नियम और कानून बनाकर किसी संस्थान को चलाया जा सकता है, किसी प्रतिष्ठान को चलाया जा सकता है, पर घर नियम कानून से नहीं चलते। घर परिवार तो एक दूसरे की भावनाओं के सम्मान से चलता है। हमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, और अगर कोई ऐसा है तो उसे अपने अंदर सुधार करना चाहिए, और यदि कोई ऐसा कर दिया तो उसे विनम्रता से स्वीकार कर लेना चाहिए, उसकी नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हर किसी की स्वभावगत दुर्बलताएं होती है, इग्नोर करे, समझ गए? इसलिए हमारे घर में रहना, ये नियम पालना होगा, वो घर नहीं होगा, वो कोई इंस्टीट्यूट बन जाएगा। एक दूसरे के साथ जुड़े, मैंने एक बार कहा था, मतदान से देश चलता है और मनदान से परिवार। देश को चलाने के लिए मतदान और घर को चलाने के लिए मनदान। अपना मन दे दो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की भावनाओं का सत्कार करो, सब व्यवस्थाएं अपने आप बन जाएगी। हर व्यक्ति की अलग अलग योग्यता होती है, प्रवृत्ति होती है, नेचर होता है, उसके अनुरूप जीवन जीता है। बेहतर संस्कार के साथ लोगों को जीना चाहिए, उनकी भावनाओं को जगाना चाहिए, लेकिन इसके लिए ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम कायदे कानून बना करके चले। हम उन्हें शिष्टाचार सिखाएं, विनम्रता के संस्कार दें, तो ये सब चीज़ें अपने आप ठीक होगी। गुरुदेव, एक छोटा सा प्रश्न और था। एक दिन अभी किसी अंकल ने पूछा, तो उनकी वाइफ 10 लक्षण जी कर रही थी, तो उनको पुण्य लगेगा कि नहीं? मेरी माँ भी कर रही है, क्या मुझे भी थोड़ा बहुत पुण्य लगेगा? तुम्हारी माँ तो 10 लक्षण नहीं, 16 कारण कर रही है। अभी पारना नहीं हुई? नहीं, कल भी नहीं होगी, परसों होगी। परसों होगी, ये बहुत अच्छी बात है। एक बात बोलता हूँ, धर्म करने का और पाप करने का, पुण्य और पाप मुख्य रूप से उसे मिलता है जो उसे करता है। मैं धर्म करूंगा, उसका पुण्य मुझे मिलेगा, और मैं पाप करूंगा तो उसका पाप भी मुझे मिलेगा, लेकिन मेरे धर्म में जो मेरा सहयोगी बनेगा उसके हिस्से में मेरे अकाउंट के साथ मेरा घटेगा नहीं, पर 16% उसके पास जाएगा, 16.25% छठवां भाग। पर यही पाप में भी लागू होगा, अगर मैं पाप करूंगा और मेरे पाप में कोई सहयोगी बनेगा तो उसके अकाउंट में भी वैसा ही जाएगा। इसलिए क्या करो, पाप में रोको और धर्म में सहयोगी बनो।